तो आज हम जो रिव्यू करने आए वो रेडमी का 43 इंच का फुल एच अल्ट्रा 4 के जो स्मार्ट टीवी है, इसका हम रिव्यू करने आए हैं। आपके सामने जो मेरे पास टीवी है ये रेडमी का 43 इंच का, जिसका मॉडल नंबर है रेडमी स्मार्ट टीवी X43 करके मॉडल नंबर है। 4K अल्ट्रा HD के अंदर इसका रेजोल्यूशन पिक्चर क्वालिटी है। इसके रिव्यू करेंगे, इसको अनबॉक्सिंग करके इसकी जो फर्स्ट लुक वो देखेंगे, साथ में इसमें नए नए फीचर्स क्या हैं हम उसकी भी बात करेंगे। और ये वीडियो बिल्कुल लाइव है, शुरू से लेकर अंत तक आप देखना है, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। सबसे पहले मैं इसकी जो फीचर्स की मेन मन की बात कर लेता हूँ आपके सामने। तो ये 43 इंचेज में आपका जो साइज है 43 इंचेज का है। इसके अंदर जो मेन मन फीचर्स हैं ये रेडमी का, ये वैसे MI का ही है आपका जो टीवी है, ठीक है। ये आपका इसके अंदर डॉल्बी आउट्स दिया है, 30 वोट इसके अंदर साउंड दिया है, मेनली नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, एंड्रॉइड टीवी है और गूगल स्टैंड इसके अंदर दिया हुआ है। अगर इसकी बात करोगे, इसके अंदर 4K रेजोल्यूशन है, जो कि आपको 3480x2160 मतलब इसके अंदर 80 लाख पिक्सल्स आपको मिल जाएंगे। और इसके अंदर 2 स्पीकर्स हैं जो कि आपको 30 वोट के अंदर इसके अंदर आपको साउंड मिलेगा। साथ में इसके अंदर 3 HDMI एंड 2 USB पोर्ट आपको मिल जाएंगे, जो मैं अभी आपको जब अनबॉक्सिंग करूंगा सारा कुछ दिखा दूंगा। और इसके साथ में इसके अंदर स्क्रीन मिररिंग, ठीक है। और इसके जो वर्जन होगा एंड्रॉइड का, वो 10 वर्जन के साथ में इसका आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका अनबॉक्सिंग करके फीचर्स देख के हम देखेंगे, इसके अंदर स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन डायरेक्ट दिया हुआ है, जब मोबाइल कनेक्ट करते हैं वो डायरेक्ट मिलेगा, या फिर आपको टीवी और मोबाइल सेम वाईफाई होने चाहिए, दोनों चीज़ हम क्लियर करेंगे इसमें इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और आप करते हैं वीडियो को बिल्कुल लाइव रोज कर दे। तो ये आपकी इसकी फर्स्ट लुक है, थोड़ा हल्का सा फ्रेम मिलेगा आपको इसके अंदर 43 इंचेज के अंदर टीवी के अंदर, ठीक है। और जो स्पीकर से वो आपके बॉटम में दिया हो, यहाँ पे स्पीकर से। अब हम बात कर लेते हैं पोर्ट की। तो पोर्ट इसके अंदर बैकग्राउंड के अंदर दिखा देता हूँ आपको, जो इसके अंदर पोर्ट है वो 3 HDMI पोर्ट है, 1, 2 और 3 HDMI पोर्ट है। USB दिया हुआ है, 2 USB है, 1 और 2, 1, 2, 3, 3 HDMI पोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। और जो कुछ पोर्ट है वो नीचे भी दिया हुआ है, जैसे कि आपके ये लैंड केबल के दिए हुआ है, और ये ऑडियो वीडियो के लिए आपके यहाँ पे दिया, और एंटीना वायर के लिए दिया हुआ है। अभी इसकी पिक्चर क्वालिटी अभी हम देख लेते हैं, पिक्चर क्वालिटी लगा के उसके बाद में फिर हम इसका रिव्यू करते हैं। एक रुक, चालू है, पता नहीं आवाज आ रही कि नहीं आ रही यार। ये टीवी आपका इंस्टॉल हो चुका है, और अब सबसे पहले हम जो बात करेंगे इसके पिक्चर क्वालिटी की, हम बात करेंगे सबसे पहले हम जो रेडमी की है, ये 4K आपका अल्ट्रा वाला टीवी था जो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो सबसे पहले इसकी आप पिक्चर क्वालिटी देख लीजिए। पिक्चर क्वालिटी देखोगे आपको बिल्कुल एकदम 4K रेजोल्यूशन के साथ में मिलेगा, और आपको जो भी है जो भी जो ऑब्जेक्ट है पूरा क्लियर नज़र आएगा आपको, ठीक है। तो ये सबसे पहले इसकी पिक्चर क्वालिटी आपने देख ली है जो 4K रेडमी का है। इसके साथ में अगर आप इसकी और फीचर्स की बात करोगे तो यहाँ पे आप इसका होम पेज देख लीजिए, होम पेज देख लीजिए। होम पेज के साथ में आप इसको सबसे पहले इसमें आपको पैक वॉल जो भी दिखाई थी मैंने, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, लाइव टीवी, यूट्यूब्स और आपके ये मूवी, ये सारे कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड है, ठीक है। इसके अलावा आपको जैसे कि यहाँ पे ऐड टू फेवरेट जो एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं है उनको आप यहाँ रख के ले सकते हो, जैसे कि अमेजन एलेक्सा है, गैलेक्सी हेल्प है, वीडियो प्लेयर है, MI प्लेयर, ये मीरा कास्ट है जो कि मोबाइल क्लिक करोगे यहाँ फ्रंट पे आपके आ जाएगी। तेज बोल भाई। अब मीरा कास्ट के अंदर क्या है कि जो भी आपको मोबाइल कनेक्टिविटी करनी है, मान लीजिए आपको जो स्क्रीन मिररिंग करनी है वो मीरा कास्ट है, उसे क्लिक करोगे मीरा कास्ट पे इस तरह से आपको ऑप्शन आ जाएगा, मोबाइल का आप स्क्रीन मिररिंग ऑन करके यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, तो आपका टीवी मोबाइल दोनों यहाँ पे आपका कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारा आपका कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये आपको मीरा कास्ट के अंदर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से आपका इनपुट और ये सेटिंग है, सेटिंग में अगर आप जाओगे तो ये यहाँ पे नेटवर्क और इंटरनेट, ये सब का वाईफाई आपके यहाँ पे आ जाएगा। वाईफाई के अलावा ये आपका ऐप्स है, और ये डिवाइस परफेंस है, डिवाइस परफेंस के अंदर आपको अबाउट, डेट एंड टाइम, लैंग्वेज, कीबोर्ड, इनपुट, ये सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। रीसेट का ऑप्शन उससे लास्ट में दिया हुआ है, अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो टीवी को रीसेट कर सकते हो यहाँ से। इसके अलावा ये रिमोट एक्सेसरीज है, इसको क्लिक करोगे तो आपका टीवी ब्रॉडकास्ट कर लेगा, जो भी आपको एडिशनल स्पीकर या साउंड बार जो कनेक्ट करना है वो आपको यहाँ से कनेक्ट होगा, तो वो इस तरह से आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो रिमोट एक्सेसरीज के साथ में। तो ये सारे एप्लीकेशन, ये इनपुट है, जब भी आप टीवी सेटअप बॉक्स लगाते हो HDMI 1, HDMI 2, 3 यहाँ पे लगा सकते हो, एंटीना वायर के लिए ऑप्शन दिया है, ये सारे ऑप्शन दिए गए।
और मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए आपको मीरा कास्ट दिया गया हुआ है। बाकी ये यूट्यूब से आपके प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, सारा कुछ ऑप्शंस, नेटफ्लिक्स की जो भी है ट्रेंडिंग वाले सब ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और ये आपके यूट्यूब के जो भी आपने देखे हैं, आप तक देख चुके हैं, वो सारा कुछ आपको यहाँ से होगा कि आपने ये देखा है, तो उस टाइम आपके ये होम बार पर आपके शो होगा, ठीक है। तो ये इसके जो फीचर्स हैं और इसका जो वर्जन है वो 10 वर्जन है, 30 वोट में इसका साउंड है। अगर साउंड सुनना है तो मैं आपको साउंड बता देता हूँ उसका। तो बिल्कुल ये 4K USB रेडमी का टीवी है। तो प्राइस रेंज की बात करो तो सबसे कम प्राइस है 28,000 की रेंज में आपको ये 4K USB टीवी आपको मिल रहा है इसका, रेडमी का। तो आशा करता हूँ ये आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम इसके साथ मोबाइल कनेक्टिविटी करेंगे, कि मोबाइल मैंने बता दिया वैसे मोबाइल कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, बट अगर आपको मोबाइल देखना है लाइव के तो उसके नेक्स्ट वीडियो में कि रेडमी का टीवी के अंदर हम मोबाइल कनेक्टिविटी कैसे करें, अपने कोई सा भी हो, वीवो का, ओप्पो का, रेडमी का, कोई सा भी कंपनी मोबाइल हो हम इसके साथ कनेक्ट करके उसकी पिक्चर साउंड हम कैसे देखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।